स्वागत है आपका फटाफट दिन भर में। आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं सशस्त्र सीमा बल SSB की, जहां महिलाएं भारत नेपाल सीमा पर अपनी चौकसी निगाहों के साथ सीमा की रखवाली कर रही हैं। पिछले 9 सालों से सीमा क्षेत्र में अपनी चौकस निगाहों से रखवाली करती हमारे देश की बेटियों को महिला होने का एहसास कभी हुआ ही नहीं। महिला होने के नाते वे सब काम करती हैं जो एक पुरुष जवान SSB में करता है। पिथौरागढ़ जिले की नेपाल सीमा से लगा यह इलाका धारचुला का है। इस इलाके में तैनात SSB की 11वीं वाहिनी की ये बेटियां दिन हो या रात हो इसी प्रकार से अपनी सीमा की रखवाली करती रही हैं। घर से दूर होने का एहसास इन्हें बेशक होता है, लेकिन देश प्रेम और सुरक्षा का जज्बा लेकर ही इस फोर्स की तरफ इन्होंने रुख किया था। यहाँ आने से पहले इन्हें डर जरूर था, लेकिन SSB ज्वाइन करने के बाद इन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि ये महिलाएं हैं। SSB में सेवा के दौरान अधिकतर सीमाओं में ही ड्यूटी होती है। देश की सीमाओं पर रहने वाले लोगों से मेल जोल बढ़ाकर उनके बीच काम करने का अनुभव भी इन्हें अपने घर की याद से दूर रखता है। SSB 2008 में ज्वाइन किया और 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर 8 साल में मैं ज्वाइन किया और उसके बाद में मेरा पोस्ट बिहार में थी। मैं 8 साल में बिहार में नौकरी की है। मैं केरला से बिलोंग करती हूँ। मैं इतने दूर से आकर नौकरी करने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को पहली बार SSB में साल 2008 में शामिल किया गया था। अब समय बीतने के साथ ही लड़कियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लड़कियों के फोर्स ज्वाइन करने के साथ ही लगातार उनके काम को लेकर हौसला अफजाई होती आ रही है, जिससे उनके मनोबल को बढ़ाने में ताकत मिल रही है। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक अर्चना रामसुंदरम है, जो खुद भी एक महिला है। इसे देखकर बल में तैनात लड़कियों का उत्साह वर्धन और भी ज्यादा हो जाता है। मेरे लिए ये महिलाओं के लिए संदेश है कि जब हम SSB में आए, हमारा फर्स्ट बैच सशस्त्र सीमा बल में फर्स्ट बैच था, और अभी दिन प्रतिदिन सशस्त्र सीमा बल में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा SSB को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। समय बीतने के साथ देश भर की लड़कियां अब पैरामिलिट्री फोर्स में भी शामिल हो रही हैं, और हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि बेटी किसी से कम नहीं, बस ज़रूरत है हमको बेटी की कीमत समझने की। पहाड़ों में मौसम की करवट बदलने से औली में बर्फ ने श्वेत चादर ओढ़ दी है। मार्च माह में औली में बर्फबारी से यहां आने वाले पर्यटकों में खुशी है। जहां इन दिनों उत्तर प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दी थी, कल देर रात से ही निचले स्थानों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं ऊंचाई वाले स्थानों में जमकर बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गयी है। काफ़ी स्नोफॉल आया, हम लोग यहाँ पे पूरा ग्रुप आए हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। देश का नाम रोशन करने के लिए बेटियों ने ठान ली है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, इसका उदाहरण रुड़की शहर की एक 9वीं क्लास की छात्रा ने दिया है। छात्रा का वॉलीबॉल खेल में नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन हुआ है, इससे परिजनों में भी बेहद खुशी का माहौल है। परिजनों का कहना है कि अब लड़कियां भी आगे बढ़कर देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। परिजनों का ये भी कहना है कि कुछ लोग पैदा होने से पहले ही लड़की को मार देते हैं, इनके लिए एक सबक है कि उन्हें छात्र से सबक लेना चाहिए। रुड़की के कृष्णनगर कॉलोनी की 9वीं क्लास की छात्रा खेलो इंडिया खेलो खेल में इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हुई है। छात्रा का परिवार मूल रूप से पौड़ी का है, जो पिछले काफी सालों से रुड़की में आकर रह रहा है। छात्रा वीनस बडोनी रुड़की के एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा है और स्कूल में ही स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेती है। वॉलीबॉल में हुआ है एंड मैं अंडर 14 वॉलीबॉल गर्ल्स में नेशनल गई थी चेन्नई खेलने के लिए, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। सेकंड मैच ओवर होने के बाद मेरे को कॉल अप किया और उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो रखा है इंडिया कैंप टीम के कैंप के लिए, एंड इफ इंडिया कैंप से आपका 1 मंथ का आपका कैंप चलेगा और फर्दर आपका अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपका फर्दर सिलेक्शन किया जाएगा इंडिया टीम के लिए। इतनी खुशी हुई कि शायद जीवन में पहली खुशी इतनी ज़्यादा मिली हमें, और खुशी मिले हमें अगर ये और आगे बढ़ते जाए। ये सब इसके माँ बाप होगी दीन है, उनकी मेहनत है, हमारा सिर्फ एक आशीर्वाद है। मेरी खुद 3 लड़कियां हैं, मैं तो प्रायोरिटी पहले लड़कियों को देता हूँ। लड़कों की अपेक्षा पहले लड़कियों को प्रायोरिटी देते हैं, और लड़कियों ने अच्छे काम करके दिखाए, अच्छा हर साइड से
चाहे वो घर परिवार है, चाहे वो खेल का मैदान है या कहीं लिखाई पढ़ाई का, सब जगह अच्छा काम किया उन्होंने। जिस हिसाब से इसका कार्य चल रहा है उसे देख करके बड़ी खुशी हो रही है, और इसमें इसके नाना जी और इसके कोच का बहुत बड़ा सहयोग इसको मिला है, और इसने अपने बलबूते पे और अपने कोच के बलबूते पे ये सारा मुकाम हासिल किया है, और जहाँ तक भी ये पहुँची है ये इसकी अपनी लगन और अपनी मेहनत है। छात्रा की माने तो उसका बचपन से ही सपना है कि वह अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करे। वहीं छात्रा को बधाइयां देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्कूल प्रबंधन भी छात्रा के नेशनल टीम में सिलेक्शन होने पर गर्व महसूस कर रहा है और बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना कर रहा है। मसूरी शहर की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने बैठक आयोजित की। बैठक में शहर के होटेलियर व्यापारी सहित शहर के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक में शहर की माल रोड में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध शराब के कारोबार को लेकर शहर के प्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की है। व्यापारियों ने शहर के लंढौर और कैमलबैक रोड में बड़े पैमाने पर अवैध नशे के कारोबार को लेकर सवाल उठाए हैं। नशे को रोकने में सबसे ज्यादा हमारी विनती पुलिस विभाग से है, क्योंकि कैमलबैक रोड के पास लंडौर के कुछ इलाकों में नशे करते हुए कुछ लड़के देखे जाते हैं। पर्यटक पे बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि अगर नशा का कारण इस तरह चलता रहा तो जिस तरह से आज मसूरी में, एक समय पंजाब में भी धीरे धीरे नशा शुरू हुआ था, अगर इस तरह से रोका नहीं गया तो मसूरी भी एक दिन पंजाब की तरफ रुख लेगा, जहाँ पे हर बच्चा नशे का शौक रखेगा। बात सच है कि जो मसूरी की जो माल रोड की जो शान होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसकी जिम्मेवार हम सब स्थानीय जनता है। हमें स्वतः ही जागना पड़ेगा, अपने अंदर के अपना जो स्वार्थ है उसको छोड़ना पड़ेगा, और कैसे शहर को ठीक रख सकें, क्योंकि नहीं तो आने वाले टाइम में मसूरी में और किसी एक छोटे कस्बे में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो अगर मसूरी को बचाना है तो हम सबको मिलजुल के इसको ठीक करना पड़ेगा। माल रोड में बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए भी पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की मांग की। होटल एसोसिएशन और ढाबा और रेस्टोरेंट, इन सब लोगों को आगाह किया गया कि कोई भी दारू और ये इस तरीके से अपने होटल में नहीं पिलाएगा, अगर जो पिलाएगा तो उसके खिलाफ पुलिस के एक्ट के कानून के अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर के मगरा स्थित जंगल में एक महिला के घायल अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घायल महिला की सूचना थत्यूर पुलिस को दी। घंटों बाद घटना स्थल पर पहुंची थत्यूर पुलिस ने जंगल से घायल महिला को चिकित्सालय भेजा। सेंट मैरी अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल महिला का प्राथमिक उपचार कर महिला को दूर रेफर कर दिया है। चिकित्सकों के अनुसार महिला के शरीर में घाव के निशान है, साथ ही महिला के सिर पर भी चोट के निशान है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। बस में चेकिंग पर थे तो ब्लॉक प्रमुख जी ने बताया थाने में फोन करके, तो एसओ साहब ने हमें सूचना दी और कि सुबह खोली से कोई 700-800 मीटर उत्तरकाशी रोड पर, मेन रोड से 200 मीटर ऊपर करीब जंगल में जो है एक महिला जो है जिसके सर में चोट लगी हुई है, घास काटने वालों ने बताया, तो उनकी सूचना पर हम तुरंत मौके पर पहुंचे। तो क्या हालत है, माने किस अवस्था में मिली ये महिला आपको? ये सर में चोट लगी हुई और बाकी ऐसी कपड़े थोड़ा आधे वो थे पैरों तक और बेहोश हालत में मिली है। तो आप इसको सेंट मैरी अस्पताल लाए हैं, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इन्हें होश आने में अभी 4-5 घंटे लग सकता है और देहरादून रेफर करने की बात कर रहे हैं। पुलिस प्रथम दृष्टा क्या देख रही है इस पूरे मामले? पुलिस तो अब तो बाकी अब पहले मेडिकल इसका हो जाए और इस इनके होश में आने के ऊपर जो बयान देंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि इस महिला के साथ कुछ अनहोनी घटी हो, कोई ले गया हो, ये तो सर मेडिकल में ही पता लगेगा। पुलिस पूरी जांच कर रही है। हाँ, पुलिस जांच कर रही है। हेड इंजरी का केस है, ठीक है, चोट तो गंभीर है और हमको यहाँ से रेफर ही करना पड़ेगा इसको, और इसका इन्हेलेटर बिल्कुल डायलेटेड है और इसका राइट ईयर भी फ्रैक्चर्ड है, पोस्चर भी चेंज हो गया है, अनकंसियस पेशेंट है, तो हमने बेसिक ट्रीटमेंट यहाँ पर दे दिया। डॉक्टर साहब, ये देखा जा रहा है कि कुछ अनहोनी हुई होगी इस महिला के साथ, या इसको या गिर गई है या किसी ने कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा बार किया? नहीं, ब्लंट ऑब्जेक्ट से नहीं लगा, मुझे लगता है किसी पहाड़ से गिरी है, कहीं से गिरी है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने इनको हर्ट करने की कोशिश की। फिलहाल हालत सीरियस है। हालत सीरियस है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि।